तो फ्रेंड्स, इसससे पहले मैंने स्टेटिंग उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, अब आपको समर भाई दोबारा क्यों बना दी भाई? काफी आपकी कमेंट आए थे, सर हमसे ना हो पाएगा, ई हमसे ना हो पाएगा, ये हमसे ना हो सकेला कुछ ऐसी, मतलब ना इम्पॉसिबल। तो फ्रेंड मैंने सोचा क्यों ना इजी तरीके से बनाया जाए। तो फ्रेंड आप बहुत इजी तरीके से बनाए गए हैं, 100% सक्सेसफुल, बहुत अच्छा इसका बैलेंस है और आप आसानी से रन कर लोगे, चला लोगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर, समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड चलते हैं मेरे पर, चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत सिंपल तरीके से स्केटिंग शूज बनाते हैं, प्लीज वीडियो पूरी देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमने बोर्ड ले लिया है, जो कि फ्रेंड अच्छा तंदुरुस्त और तगड़ा बोर्ड है, ये देख सकते हो, जो कि एमडी बोर्ड काफी नाजुक कली होता है, मशक कली और पता नहीं कौन कौन सी कली होता है। तो यहाँ फ्रेंड्स इसे हम साफ करते थे, बस एमडी बोर्ड अगर आप लेते हो तो फ्रेंड्स वो पहले से ही चिकना होकर आता है, साफ आता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी लकड़ी तैयार हो गई। तो दोस्त यहाँ पे आपको चप्पल या जूता ले लें, जो कि कभी आप पर, खैर छोड़िए दूसरे टॉप पर चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे कोई भी जूता चप्पल ले लेना है और इस पर मार्किंग कर लेना है। आप चाहे दोस्त डायरेक्ट सीधा अपने जॉब पर लगा सकते हो, वहाँ पर इसे वहाँ से सीधा मार्किंग कर सकते हो। मैंने नहीं लगाया फ्रेंड, उसका रीज़न थोड़ा अलग है। तो यहाँ मैंने दोनों पैर चिपका दिए हैं, मतलब दोनों पैर, मतलब कि दोनों चप्पल के निशान चिपका दिए हैं। मैंने इजिली कट कर देता हूँ फ्रेंड्स, ये निकला अलग से पीस। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्त, क्योंकि मैंने कहा था कि लकड़ी काफ़ी मोटी और तगड़ी तंदुरुस्त है, तो थोड़ा सा पतला कर लेते हैं भाई, आजकल पतलों का जमाना है, मोटों का जमाना नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग हो चुकी है और हमारी लड़की धान धोकर तैयार हो गई, सॉरी लकड़ी तैयार हो गई अच्छी तरीके से फिनिशिंग होकर। और अगर आप फ्रेंड्स एमडी बोर्ड लोगे, जो कि आधे इंच का लोगे, तो उसमें आपको फिनिशिंग करनी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी ठीक रहेगा, लेकिन फ्रेंड वो काफ़ी नाजुक होता है। अब दोस्त ये हमारा पीस बचा है, दोनों पीस चप्पल में से निकालने के बाद इस पीस से फ्रेंड्स हमें यहाँ पर लगभग एक इंच का अप्रोक्स यहाँ से कट कर लेना है। दो चीज़ यहाँ से मैं कट करूँगा, वीडियो मेरे साथ बने रहिए, काफ़ी आपको इन्जॉय आने वाला है आई होप। तो यहाँ पर देख सो यहाँ से मैंने कट करते हैं। अब दो फ्रेंड्स यहाँ पर दो तरह के पीस मैं कट कर देता हूँ, एक जे वाला और एक जे वाला, आप देख सकते हो दोनों अच्छी तरह चमक रहे हैं, मुँह दिखा रहे अपना। वैसे फ्रेंड्स मुझे इन डंडे को देखकर कुछ लठ याद आ गया अपने पिताजी का। कोई नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो मैं इससे यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। आपने एक्सल टाइप का देखा होगा, तो भाई वो तो लोहे का होता है, लेकिन हम यहाँ पर बनाने वाले से एक्सल टाइप की तरह ही। तो यहाँ पर मुझे ऐसे अप्रोक्स चार पीस कट कर लेने हैं, दो बड़े हैं और दो छोटे हैं, दही बड़े वाले नहीं है, बड़े वाले। तो फ्रेंड्स एक इंच का गैप छोड़कर मार्किंग कर लेता हूँ और फटाफट मैं इसे भी कट कर देता हूँ। अब क्या होगा समर भाई, ये है क्या भाई, तूने क्या बना दिया, क्या उखाड़ लेता भाई बना के, अभी उखाड़ ले यार। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें बेयरिंग चाहिएंगे, जी हाँ जी हाँ, आ गया खट्टा मिट्टा चूर, सॉरी 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 मैं भटक गया इनसे, अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो यार, पिछला जो पास्ट होता है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो यार फ्रेंड्स एक दो तीन चार, चार मैंने ले लिया अलग से और यहाँ पर मैंने मार्किंग कर दिया, ये सबसे अच्छा तरीका है मार्किंग करने का। तो मेरे दोस्त अब इस बैरिंग को आपको इस पीस के अंदर फंसाना है, जी हाँ फंसाना है, मतलब कि फिक्स करना है यार, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज जान लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह फ्रेंड दोनों तरफ मार्किंग कर लिए और भाई इसे कट कर लेता हूँ, काफ़ी इजी है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपसे ये ना बने तो फ्रेंड, क्योंकि पाइप आता है जो कि जीआई का पाइप आता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का, आप उसे ले सकते हो, जो कि पानी फिटिंग में यूज़ होता है आधे इंच का, वो भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, क्योंकि लकड़ी है ये, लकड़ी है ये। तो यहाँ पर फ्रेंड देख सकते हो मैं इस तरीके से फंसा लूँगा। तो भाई मैं अभी, क्योंकि यह इसका जो ऊपर का हेड है वो थोड़ा फैला हुआ है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से थोड़ा सा पतला कर लूँ, बस ऊपर ऊपर से करना है, नीचे से फ्रेंड अगर आप कर लोगे तो काफ़ी लूज़ हो जाएगा और भाई बैरिंग पता नहीं लगेगा आपको चलाते कब निकल जाएगा। तो भाई थोड़ा अच्छे से यहाँ पर मजबूत चिपकाइएगा, अच्छे से ठोकाई करिएगा, इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि ये निकलेगा नहीं, और निकलना चाहिए भाई, कहीं पता लगा आप चला रहे हो, स्केटिंग कर रहे हो, भाई चारों बैरिंग निकल गए, भाई आप पता भाई गाड़ी चल क्यों नहीं रही, अब भाई चलिए तो पहिए तो इसके निकलिए। तो यहाँ पर फ्रेंड इस तरीके का दोनों तरफ का डिस्टेंस आपको अच्छी तरह से मेजर कर लेना है, उसके बाद जब लगा इसका फ्रेंड थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो भाई आपका बैलेंस ना बिगड़े इसलिए इसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह का बैलेंस कर लिया है, मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया और अच्छी तरीके से भी दिखूंगा, बस बने रहे समय एक्सपेरिमेंट के साथ। तो दोस्त जितने भी स्क्रू का हेड है, ऊपर का जो हेड होता है, इसे आपको अंदर फिक्स कर लेना है, जो कि ये यहाँ पर चुभे नहीं, बिल्कुल भी परेशान ना करें। अब दोस्त यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर हम रबड़ लगाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं कि ये होता है नहीं होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक ट्यूब होती है साइकिल की, तो यहाँ से मैं एक पहले से ऑटोमेटिक रिंग टाइप की होती है, छल्ला टाइप की, हमें से यहाँ पर कट कर लिया था थोड़ा सा पीस आधे इंच का प्रॉक्स, और मैं इसे ऊपर चढ़ा दूंगा। तो दोस्त देखा जाए तो यहाँ पर ये काम करेगा नहीं करी वो तो हम बाद में जानेंगे, पहले हम इसे थोड़ा जितने आठ के पहिए हैं, आठ यानी कि बैरिंग है, सब पर अच्छी तरह से यहाँ पर रबर ट्यूब चढ़ा देते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर अच्छी तरह से चढ़ चुका है और मैं इसे अच्छी तरह से स्टेट ग्लू से भी चिपका देता हूँ फ्रेंड, जिससे कि भागे नहीं, और भाई भागना नहीं चाहिए किसी को, चल के जा सकता है। तो यहाँ फ्रेंड देख सकते हो जितने भी हमने स्टेट ग्लू लगाई है, देखते हैं फ्रेंड्स ये रुकता है नहीं रुकता है।
तो चलिए दोस्त, तो यहाँ तक तो ये बन गया। अब आते हैं इसके शूज़ के लिए, यानी कि जूते रखेंगे कैसे। तो फ्रेंड जूते तो काफ़ी इजी है इस पर रखना, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। एक सौ पर एक ऑप्शन मैंने इससे पहले आपको बताया कि आप कैसे इसे रोक सकते हो। दूसरा ऑप्शन फ्रेंड्स ये कि आप इसमें स्क्रू लगा सकते हो, नट बोल्ट लगा सकते हो, उसके लिए आपको जूता ख़राब करना होगा। अरे भाई मैं हूँ गरीब आदमी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो आप यहाँ पर स्क्रू लगा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स मैं क्या करूँ, स्क्रू ना लगा कर जो इंस्टेंट ग्लू होती है, सुपर ग्लू कहते हैं इसे, मैं उसे यहाँ पर लगाने वाला हूँ। तो ये अच्छे से चिपका था, डेफिनेटली फ्रेंड्स निकलेगा नहीं। और जब आप चाहे अपने जूते इस पर से निकाल सकते हो, उखाड़ सकते हो, क्या उखाड़ लोगे, ऐसा कहते हैं ना, हम जूता उखाड़ लेंगे। चलो फ्रेंड टेस्टिंग पर चलते हैं इसकी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हो मुझे तो स्केटिंग नहीं आती है, तो हमारे इशू भाई हैं। और यकीन माने भाई ये स्केटिंग शूज़ पहन के शक्तिमान, मतलब कि में इतनी ताकत आ जाती है खोई हुई शक्ति वापस पाएँ। तो फ्रेंड्स मुझे तो भाई बड़ी मतलब महसूस दर्द होता है भाई देख के कि भाई अगर ठुक गया तो क्या होगा। मतलब यार बैकग्राउंड बहुत मजबूत होना चाहिए, मेरा इतना मजबूत है नहीं भाई। तो ईशू भाई बहुत अच्छे कर लेते हैं, बहुत मजे भी आते हैं, देखें इनका बैलेंस देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और पर दोस्तों प्लीज़ अपना फीडबैक जो देगा आपको वीडियो कैसे लगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।